Hello everyone, welcome to Banik. In this video, we will discuss about classical languages of India, which is a part of our static GK. So, let's start the topic. A classical language is a language with an independent literary tradition and a large and ancient body of written literature. Classical language, jahaku ame shastriya bhasha boli kahuchu, शास्त्रीय भाषा एमित एक भाषा जहाँ एक स्वतंत्र साहित्यिक परंपरा रही थी। प्रेजेंटली देर आर सिक्स लैंग्वेजेस व्हिच आर एंजॉयिंग क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस। दोज आर तमिल बिकेम द फर्स्ट लैंग्वेज टू बी डिक्लेयर्ड एज क्लासिकल लैंग्वेज इन 2004, देन संस्कृत इन 2005, देन कन्नड़ा इन 2008, देन तेलुगु इन 2008, then Malayalam in 2013, then Odia in 2014. All the classical languages are listed in the 8th schedule of the Indian Constitution. 8th schedule of Indian Constitution describes about official languages of India. Presently, there are 22 official languages under 8th schedule. The Ministry of Culture provides the guidelines regarding classical languages. मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर क्लासिकल लैंग्वेज पर किछटा गाइडलाइन और निर्देशावली जारी करिसंती। हाई एंटिक्विटी ऑफ इट्स अर्ली टेक्स्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री ओवर ए पीरियड ऑफ 1500 टू 2000 इयर्स। यही भाषा एवं लिपि 1500 वर्ष रु 2000 वर्ष प्राचीन होइथवा दरकार। ए बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर टेक्स्ट व्हिच इज कंसीडर्ड ए वैल्युएबल हेरिटेज बाय जनरेशन स्पीकर। यही भाषा एवं लिपि पीढ़ी पर पीढ़ी प्रचलन होता दरकार। द लिटरेरी ट्रेडिशन बी ओरिजिनल नॉट बोरोड फ्रॉम अनदर लैंग्वेज कम्युनिटी। यही भाषा एवं लिपि निजस्व परिचय थी दरकार। द क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर बीइंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम मॉडर्न लैंग्वेज। यही भाषा एवं लिपि नूतन भाषा ठारु अलग होता दरकार। डियर स्टूडेंट्स, वन मोर इनफॉर्मेशन, हिंदी इज नॉट द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 343 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू वेरी मच।